Devanshi Agarwal, a Vivekian, and I scored 95.8%, and it was good experience. I mean, I did not believe when I knew my marks, so I would like to give my all credits to my teachers and my family and my friends too, because they helped me a lot during this. Yeah, it helped me a lot. मतलब there is a very friendly environment in our school. मतलब teachers बहुत friendly हैं. हम उनसे बेझिझक अपने doubts पूछ सकते हैं, वो भी जितनी मर्जी बार. And they would always help us with that. So this helped me a lot during my study. I mean, I can't specify a single name. All teachers helped me. मतलब I would give my credit to all my teachers. All teachers contribute equally. It was really good. मतलब ये नहीं था कि only study, मस्ती विद study, you know. मतलब मस्ती भी की, study भी की, बिल्कुल भी boring नहीं था कि हाँ सिर्फ पढ़ना है. It was really, मतलब कि बहुत डर लगा था पहले तो कि website ही नहीं खुल रही थी. Then we called in the school and then teacher told and I was like shocked कि मैंने ही score किया इतने marks, so I was really happy. हैशटैग माई स्कूल रॉक्स. मतलब हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर है कि पढ़ो पढ़ो एंड पढ़ो. ये है कि एक्टिविटीज़ भी हैं, स्पोर्ट्स लेक्चर्स लगते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं. कि ये होता है कि मस्ती के साथ पढ़ लिए, बहुत प्रेशर नहीं होता है. टिप्स अकॉर्डिंग टू मी, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि सेल्फ स्टडी, जैसे स्कूल में जो पढ़ाया घर जाके उसको ही अच्छे से पढ़ लो. एंड मतलब सेल्फ स्टडी अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्केड्यूल, मतलब मैं रात को जाकर पढ़ती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग हो जाते हैं उतने में, कि ज़्यादा भी ना पढ़ो बट जितना पढ़ो उसे अच्छे से पढ़ो. या ऑफकोर्स, मतलब ये होता है कि हमारे स्कूल का हर साल ही रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है, तो एक तरह से फीलिंग होती है मोटिवेशन की कि हाँ हमें भी इस बार करना है, अपना नाम चाहिए टॉपर्स लिस्ट में, तो एक मोटिवेशन होती है. पहले तो होता है कि हाँ कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ हमने अच्छे से तैयारी की है, तो आई विल गिव माई बेस्ट, आई वुड रॉक द एग्ज़ाम. बट जैसे एग्ज़ाम सामने आता है तो लगता है कि यार विल आई बी एबल टू डू दैट. बट फिर हाँ होता है कि कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने अच्छे से तैयारी की है तो आई विल डू दैट. फॉर मी इट इज़ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क. कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, और जो पढ़ना उसको अच्छे से करो. ये नहीं कि मतलब कच्चा पक्का, ऐसी जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करना, एंड देन यू कैन अचीव एनीथिंग. जैसे पढ़ते पढ़ते थक गए तो फ्रेंड के साथ खाने पीने चले गए. माय पेरेंट्स, मतलब दे ऑलवेज इंस्पायर मी, दे ऑलवेज मोटिवेट मी कि तू कर सकती है. मतलब मैं जैसे कह देती हूँ कि मुझसे ये नहीं होगा, दे मोटिवेट में कि तू कर सकते है, इसमें कौन सा बड़ी बात है. एवरीथिंग इज यूनिक एक्चुअली, वी आर गोना मिस इट आफ्टर, मतलब व्हेन वी विल बी इन कॉलेज. अदरवाइज कि यही कि मस्ती होती है पूरी स्कूल में, ये नहीं होता प्रेशर हो कि पढ़ो तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने की. मस्ती होती है हमारे पूरे स्कूल में, लाइक मतलब ये होता है ना कि हम बाद में मिस करेंगे उन्हें. दैट्स गोना डेफिनेटली हैपन विद अस, कि सारे टीचर्स को, ये नहीं कि सिर्फ फ्रेंड्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, अपने स्कूल को, लाइक सबको मिस करने वाले हैं. मतलब फैमिली बन जाती है, नर्सरी टू प्लस टू वी आर हेयर. टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है, मतलब कि हम अपने डाउट्स ले सकते हैं उनसे कभी भी. लाइक कभी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो ये नहीं कहते कि तुमसे तो होने ही नहीं वाला है, दे से कि और मेहनत करो एंड यू कैन स्कोर बेटर. एक्चुअली इट वॉज अ ट्रिप टू अमृतसर, दैट वॉज द बेस्ट इन 9th क्लास. बहुत मस्ती की हमने उसमें, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे मोमेंट्स बने थे, मेमोरीज बनी थी. स्टिल मिस इट.